बच्चों अच्छा ये बताओ हमने टेंस पढ़ाया था कि नहीं सबको। टेंस कितने, टेंस का मीन्स क्या होता है, काल या फिर समय बताया था ना। जब हम समय की बात करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में टेंस। टेंस हमने कितने प्रकार के बताए थे, थ्री टाइप के, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, बताया था कि नहीं, बोलो बताया था ना। तो लेकिन अब प्रेजेंट के भी कई सारे पार्ट होते हैं, पहला हमने लिया प्रेजेंट और प्रेजेंट के भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसी में से पहला पार्ट हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो जो साधारण प्रेजेंट टेंस वाले अनुवाद थे या ट्रांसलेशन थे उसमें क्या था, वर्ब ना भी थी तो भी अनुवाद हो जाता था। प्रेजेंट टेंस में पहचान थी कि लास्ट में है वो, फिर पास्ट टेंस की पहचान थी लास्ट में था वो, फ्यूचर टेंस की पहचान थी कि लास्ट में गागी ये हो। लेकिन उनमें वर्ब थी भी नो तो भी काम चल जाता था, नहीं भी थी तो भी काम चल जाता था। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस की जिसमें वर्ब भी हो है, वर्ब भी हो, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पहचान जानना जरूरी है। क्या पहचान, जैसे लंबे लंबे अनुवाद आते नहीं है, राम खाना खाता है, मैं पढ़ता हूँ, बात होता है, तो इनमें हमको पहचान जानना जरूरी है तभी हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। प्रियांशी चुप रहना। देखो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कौन सा पार्ट लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहते हैं, ठीक है, अब वही ये लिखा है कि ये की क्यों बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखना इसकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो बोलना जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में क्या ना चाहिए, ता है ती है ते है आदि शब्द आए तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। समझ में आया कि क्या ना चाहिए, वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, ता है ती है ते है। जैसे वर्ब हमने लिया खाना, क्या लिया खाना, खाना तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला नहीं जाएगा, वो जब लिखा होगा खाता है, जब लिखा होगा पीता है, जब लिखा होगा नाचता है, मतलब लास्ट में ता है निकले, ती है निकले। बहुत सारे लोग होंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, ते है। जैसे हमने कहा तुम पढ़ते हो, अब यहाँ ते हुआ है कि नहीं आया, अब यहाँ हम ये तो बोल नहीं सकते तुम पढ़ने हो, अगर पढ़ने हो करेंगे तो कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वर्ब में हमको ता है ती है ते है जोड़ना, ठीक है, यही पहचान है। मेन बात इसकी बस याद करो कि वर्ब में ता है ती है ते है जुड़ा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद होगा। और पर अब ये हमने तो पहचान कर ली कि अगर कहीं हमको ता है ती है ते है लगा मिला तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। अब हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, तो वो देखो हमने नियम भी लिख दिया है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये देखो तुमने, ये देखो एक हमने वाक्य लिया राम आइसक्रीम खाता है, लास्ट में वर्ब में हमने क्या जोड़ा, ता के बाद जोड़ा है, ता है ताके साथ है भी लगा होना चाहिए, समझ में आया। जैसे हमने कहा दीदी पढ़ाती है, मम्मी खाना बनाती है, ती है ते है ता है, ये जब निकलेगा वर्ब के साथ तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब वर्ब में ता है जुड़ा है कि नहीं, अब देखो जब हम इसके हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमको पता सबसे पहले किस किस पर लिखते हैं, सब्जेक्ट की, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम किया जाता है उसको वर्ब बोलते हैं, और जो थिंग्स नेम होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा बताया था कि नहीं।
तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का केवल एस लिख दिया, समझ लेना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ हम इज, एम, आर, वाज, वर नहीं यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं? जब टेंस वाले अनुवादों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले अनुवादों या किसी टेंस वाले अनुवादों, तो वहाँ पर जहाँ पर वर्ब लिखी हो, वर्ब में ता है, ती है, ते है जुड़ा हो, तो वहाँ पर इज, एम, आर का यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब। क्या लिख देंगे? कुछ नहीं करना, पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर भूल जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की अंग्रेजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग, बस हो गया। और एक चीज समझ लो, ये हो गया हमारा सीक्वेंस कि कैसे हमको ट्रांसलेशन करना। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब काम, फिर लिखना वर्ब मतलब ईट, फिर लिखना ऑब्जेक्ट मतलब आई, फूड हमने देखो लिख दिया, आइसक्रीम। क्या लिखेंगे? आइसक्रीम, I-C-E-C-R-E-A-M। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? राम ईट्स आइसक्रीम। समझ में आया कि नहीं? आप एक चीज तुम लोग ये सोचते हो कि दीदी ने इस पर खाना की स्पेलिंग तो ईट होती है, अब इसमें ईट्स क्यों लिख दिया? यही तो मेन है इसमें। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर, एक वचन होगा। तो वर्ब में हमको एस जोड़ना होगा या फिर ई एस। हमने एस और ई एस वाले नियम बताए हैं ना, जब लास्ट में एस ओ, डबल एस ओ, सी एच ओ, एक्स ओ, जेड ओ, एस एच ओ, सी एच ओ, तो वहां पर हम ई एस लगाते हैं, बाकी सबके साथ एस लगाते हैं। लास्ट में ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस, ओ के पहले वॉवेल होगा तो एस, वाई हो लास्ट में तो क्या, वाई को हटा के आई ई एस। बताया कि नहीं? एफ या एफ ई हो तो हटा के वी ई एस। बताया है कि नहीं? बताया। सेम रूल्स यही है, वर्ब में हमको एस या ई एस लगाना है, ठीक है? कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, एक होगा, ठीक है? बाकी वर्ब लगा दो, बाकी ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारा ट्रांसलेशन। और ये देखो नियम हमने भी लिख दिया कि साधारण वाक्य में मतलब सिंगुलर, जब हमारा वाक्य क्या होगा? साधारण, इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, बात सीधी साफ बात कही जाएगी, वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता, तो ये बात साधारण बात हो गई कि नहीं? साधारण वाक्य जब होगा और कर्ता क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर। वाक्य साधारण हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब में हम यस या यस ऐड करेंगे। अगर वर्ब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वो भी नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, ठीक है? तो ये आगे तुमने एक, चलो ट्रांसलेशन जैसे हम दे रहे हैं, जैसे राम की जगह पे हमने लिख लिया तुम आइसक्रीम खाते हो, तुम आइसक्रीम खाते हो, ठीक है? अब ये हमने कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ? अब यहाँ तुम बताओ, सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल होता है कि नहीं? तो जब यू है, यू प्लूरल है, तो वर्ब में एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे, सीधा यू ईट आइसक्रीम। समझ में आया? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस या ई एस ऐड करेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वो भी ऐड नहीं करेंगे, सीधा बस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इसमें इज, एम, आर बिल्कुल भूल जाना, कि इसमें सोच लेना जहां पर ता है, वर्ब लिखी हो, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है जुड़ा हो, तो भूल जाओ कि इज, एम, आर भी कोई चीज होती है। सीधा आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो एस या ई एस लगाओ वर्ब में, नहीं तो वो भी नहीं, ठीक है? कर लोगे? डन करें वीडियो, बताओ? आ गया ना? ठीक है, धन्यवाद।